आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक डिलारी के ग्राम मुलावान धींगरपुर पहुंची, जिसकी दूरी जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर और ब्लॉक से मात्र 1 किलोमीटर है। 2500 वोट और 8000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती नाजमा खातून के हाथों में है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की देखरेख और विकास का सेहरा इनके सर बांधा है। आपको बताते चलें कि इनके अच्छे विकास कार्यों को देखते हुए ग्रामवासियों ने इन्हें लगातार तीसरी बार प्रधान चुना है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। इस गांव में क्या क्या विकास अब तक हुए हैं और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पति खुर्शीद बाबा की जुबानी। टुडे 24 में आपका स्वागत है। आपने क्या क्या विकास करा है? हमने ग्राम पंचायत धींगरपुर मुलावान में हमने काफी विकास किया है, जैसे रास्ते वगैरह, बिजली से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित, जितनी भी सरकार की कार्यकारी योजनाएं हैं उनको सब यहाँ लागू किया गया है। और विकास के मामले में आपको दिख रहा है, आप गांव में घूम कर आए, हमारे सड़कें वगैरह सब हमने बढ़िया करा दी हैं, यही हमने विकास किया है। शौचालय से गाँव वगैरह हो गया? हाँ, गांव ODF हो गया शौचालय से। हमें हमारे गांव में हर व्यक्ति को, जो जिसके पास शौचालय नहीं था, सबको शौचालय मिल गया है, सबके शौचालय बन गए, सुचारू रूप से चल रहे। और स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव? हमारा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बराबर 1 किलोमीटर डिलारी है, बराबर घर नहीं है हमारे यहाँ। लिख के नहीं दिया? लिख के दिया, कई दफ़ा दिया, मगर कार्रवाई ना हो पाई। और सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ दो हैं, एक मुलावान में, एक ढींगरपुर में, दोनों नियमित रूप से आते हैं, साफ सफाई करते हैं। बाकी गांव वाले भी सब लग के अपने आपस में भी सफाई करते हैं, स्वच्छता के उसमें हमारा काफ़ी अच्छा माहौल है। और सब लोग, क्योंकि इतने बड़े पंचायत में दो आदमी सफाई नहीं कर सकते, इसलिए गाँव वाले खुद भी सफाई करते हैं।